मैरी क्रिसमस। आज मैं क्रिसमस के मौके पर आपके लिए मज़ेदार प्लम केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर में जो पड़े आसान इंग्रेडिएंट्स आप इसको बना सकते हैं, और केक कितना मज़ेदार है ये तो आप देख ही सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। रेसिपीज बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक पैन में जो ब्राउन शुगर होता है वो मैंने ले लिया है। ब्राउन शुगर की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर ले लिया है, और इक्वल क्वांटिटी में ही हम पानी ले लेंगे, और इन दोनों मिक्सचर को हमें उबालना है। तो गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब चूंकि हम ड्राई फ्रूट्स जो है उसे सोक नहीं कर रहे हैं, तो जब ये उबल जाएगा तो इसी में हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इससे हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बादाम, काजू, किशमिश, छुहारा और चेरी ले लिया है। आप टूटी फ्रूटी भी ले सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। प्लम इसमें अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर डालिए, क्योंकि ये प्लम केक है तो प्लम आप डालिए, अदरवाइज बाकी ड्राई फ्रूट्स से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये अच्छे से उबल गया, 2 से 3 मिनट तक इसको उबलने देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको एक साइड पर रख देते हैं, और यहाँ पर हमें केक टिन तैयार करना है। तो मैंने इसमें ऑयल लगा के और जो पैचमेंट पेपर होता है वो मैंने लगा लिया है। आप चाहें तो इसमें जो ऑयल है वो लगा लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दीजिए। इससे भी आपका केक टिन में नहीं चिपकेगा। इसके बाद हमारा होममेड ओवन तैयार कर लेना है। तो इसके लिए एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए हमें प्रीहीट करना है। इसके अंदर एक स्टैंड डाल देना है और इसको ढक करके प्रीहीट होने देना है। तब तक हम बाकी का जो हमारा केक की प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है, 1 कप यह आटा है, यह 225 ml वाली कप है जिसमें 200 ग्राम आटा आ जाता है, तो ये ले लिया है। साथ ही के साथ आधा कप मैं इसमें मैदा भी ऐड करने वाली हूँ। कंप्लीट आप मैदा ले सकते हैं या कंप्लीट आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है, 1/4 छोटे चम्मच हमें बेकिंग सोडा ले लेना है। इसमें साथ ही के साथ हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, वो भी 1/4 छोटे चम्मच ही हम नमक इसमें ऐड कर देंगे। 1 बड़े चम्मच हमें इसमें कोकोवा पाउडर जो होता है, कोको पाउडर, वो ऐड कर लेना है। इसके साथ इसमें दालचीनी का पाउडर, आपको 1/4 छोटे चम्मच दालचीनी का पाउडर ऐड कर लीजिए। अगर पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप इसको मिक्सी में क्रश करके या कूट के भी डाल सकते हैं। नटमेग पाउडर है और इलायची का पाउडर है। अगर ये पाउडर फॉर्म में आपके पास नहीं है तो आप इसे मिक्सी में पीस लीजिए ड्राई में ही, और इसको डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको सारे इंग्रेडिएंट को एक बार छान लीजिए, इससे केक फूलने में बहुत हेल्प मिलता है। तो इसको 1 या 2 बार ज़रूर छान लेना चाहिए। तो सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट है इसको छान करके जो इस तरीके से एक्स्ट्रा रह जाए उसको डिस्कार्ड कर देना है, और इसको एक साइड पे हमें रख लेना है। तो अब इसके बाद आती है जो वेट इंग्रेडिएंट है उसकी तैयारी करनी। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स और जो शुगर और पानी का मिक्सचर तैयार किया था इसको ले लेंगे। अब ये बहुत गर्म नहीं है, गुनगुना सा रह गया है, तो इतना आप ले सकते हैं, क्योंकि बाकी जो इंग्रेडिएंट डालेंगे तो इसका टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमें डालना है ऑयल। आप यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जिस तेल में स्मेल ना हो अनफ्लेवर्ड ऑयल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये डाल दिया है हमने, और इसमें साथ ही के साथ यहाँ पर मैं दही ले रही हूँ। अगर आप एग डालना चाहें तो 2 अंडा अलग से फेंट करके इसमें मिक्स कर सकते हैं, या फिर दही को मिक्स करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। दही भी 1/2 कटोरी ही है, तो यहाँ पे हम 1/2 कप दही ले रहे हैं। दही को पहले से ही मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि दही जो है वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, और इस को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा कुछ आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। दही के जगह आप अगर चाहें तो बटर मिल्क भी यूज कर सकते हैं। तो 2 रिप्लेसमेंट मैंने बताया, 1 अंडे का रिप्लेसमेंट है और 1 बटर मिल्क का। तो इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है,
कुछ हमें मिल्क भी ऐड करना है, लेकिन मिल्क को हम अभी ऐड नहीं करेंगे। अब जो हमने ड्राई पाउडर बना के रखा था उसको दो बैच में हम इसे में डालेंगे। तो पहले हमने ड्राई पाउडर डालने के पहले हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, बट जैसे ही हम इसमें ड्राई पाउडर डालते हैं जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट है, उसके बाद इसको बहुत हल्के से मिलाना है, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी इसको अच्छे से मिलाते हैं या तेज़ तेज़ मिलाते हैं तो इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है तो वो क्या होगा कि एक्स्ट्रा फ्लफी हो जाएगा और केक इससे हार्ड बन जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आप कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करें या फिर आप इस तरीके से विस्कर से भी धीरे धीरे करके मिक्स कर सकते हैं। तो पहले हमें इसको मिक्स करके अच्छे से देख लेना है। और दूध हम बाद में क्यों डाल रहे हैं, वेट इंग्रेडिएंट के साथ क्यों नहीं डालते, क्योंकि अगर आपने पहले ही दूध डाल दिया तो केक बैटर का आइडिया करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसको चेक करेंगे कि अगर ये ड्राई है तो उतना ही हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पैचुला ले लिया है और इसको मिक्स करके देख रही हूँ। तो अभी ये बहुत ड्राई है तो मैं इसमें यहाँ पे देखिए मैंने 1/4 कप मिल्क ले लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और जो हमारा केक का बैटर है उसको मिक्स करते जाना है। तो जितना दूध लगे उतना ही बैटर में आपको दूध डालना है, एक्स्ट्रा नहीं डालना है हमें, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ आटे महीन पीसे होते हैं कुछ मोटे पीसे होते हैं, तो मिल्क जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो दोनों की अलग अलग होती है, इसलिए कोई एक परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, बट 1/4 कप मिल्क आपका लगभग इस बैटर में लग जाएगा। तो ये बैटर हमारा बन गया है और ये केक टिन हमारा बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है। तब लास्ट में हमें इसमें क्या करना है, एक चम्मच विनेगर या फिर आप इसमें एक चम्मच नींबू का रस ऐड कीजिए, क्योंकि इसको डालने के बाद इमीडिएट ही हमें जो बैटर है उसको एक बार मिक्स करना है और केक टिन में पोर कर देना है, क्योंकि विनेगर या नींबू डालने के बाद आप बैटर को ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो केक अच्छा नहीं बनता है। तो इसको फटाफट से हमें क्या करना है, केक टिन में पोर कर लेना है। और ये देखिए ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इसी कंसिस्टेंसी पे प्लम केक के बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर हम रिबन कंसिस्टेंसी पे रखते हैं तो जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो नीचे बैठ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी रखिए और इस तरीके से हम 4 से 5 बार टैप टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो बस इसके बाद मैंने इस पर कुछ चेरी और यहाँ पे खजूर डेट्स जो होते हैं वो मैंने डाल लिया है, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा काजू मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया है और इसके बाद बारी आती है इसको बेक करने की। तो ये इस तरीके से आप रखिए, गर्म है थोड़ा ध्यान से आपको रखना होगा और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम यहाँ पे लगभग 40-45 मिनट तक इसको बेक करेंगे। आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और 35 मिनट से पहले आपको केक को ओपन नहीं करना है। तो यहाँ पे 45 मिनट्स हो गया है, अब मैं केक के वो यहाँ पे चेक करने वाली हूँ। और ये देखिए वाव क्या मज़ेदार हमारी केक बनके तैयार हुई है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि अंदर से ये कैसी है। ये देखिए बिल्कुल नाइस, बिल्कुल क्लीन है, इट मीन्स हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। ये केक थोड़ा देर स्लो में और थोड़ा हार्ड ही बेक किया जाता है। देखिए मैं इस तरीके से आपको रिमूव करके एक साइड से जो हमारा पैचमेंट पेपर है वो हटा करके दिखा रही हूँ और ये कितनी मज़ेदार है। तो इसका जो स्लो बेक होता है तो अपर लेयर थोड़ा हार्ड होता है, तो इसके लिए एक गीले कपड़े से ढक करके इसको 2 से 3 घंटे रहने दीजिए फिर काटिए। मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैंने आधे घंटे के बाद ही इसको कट कर दिया है। इस तरीके से देखिए, अगर साइड्स में आपने बटर पेपर नहीं लगाया है तो नाइफ की हेल्प से ही आप इसको साइड्स को रिमूव कर लीजिए। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और ये देखिए कितनी मज़ेदार है, बहुत ही अच्छे से हमारी केक बेक हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी बताई वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। इस रेसिपी में आपको क्या अच्छा या बुरा लगा शेयर ज़रूर कीजिएगा।